समूह में भाजपा का मोर अधिकार मोर आवास अभियान, अभियान में सांसद चुन्नीलाल साहू हुए शामिल। महासमुंद में वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, मानव अधिकार के संरक्षण पर पुलिस ने रखे अपने विचार। मनेन्द्रगढ़ में नहीं थमरा तेंदुआ का आतंक, महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया। कोरिया में कोयला चोरों पर चला पुलिस का हंटर, 40 बोरी कोयला हुआ बरामद। जांजगीर चांपा में स्वास्थ्य अधिकारी को पुलिस ने सुनाई 7 साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति रखने का था आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। खबर रायपुर से है जहां सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों को मिल्टिस का लंच कराया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। विधायकों ने रागी के पकौड़े, कोदो के भजिए और कुटकी के फरे का भी स्वाद लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री की पहल के तहत मिल्टिस को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर यहाँ मिलेट से बने हुए सारी चीज़ें, जिसमें कोदो कुटकी के खीर, रागी के हलवा, फिर उसके कोदो का चावल और डोसा, वो सब सामग्री बने थे। बहुत बढ़िया बना है और ये शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए। तो बहुत सारे मिनरल्स कोदो कुटकी रागी के माध्यम से मिलता है और उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। रायपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त वितरण के लिए आए चावल को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष ने चावल का वितरण न कर घोटाला करने का आरोप लगाया है, तो वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इन आरोपों को गलत बताया। साथ ही भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में उतर गए। उसके बाद सभी 13 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित भी कर दी गई। मनेन्द्रगढ़ में वन मंडल के तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में। इसी बीच आदमखोर हो चुके तेंदुए ने एक महिला को अपना शिकार बना लिया। जानकारी मिलने के बाद वन अमला मौके पर पहुंच गया, वहीं घटना के बाद ग्रामीण दहशत में है। बता दें कि गांव में रहने वाली उमाबाई अपने घर के पास थी, तभी तेंदुआ वहां पहुंचा और महिला को घर के बगल से उठाकर ले गया, जिसके बाद तेंदुए के गले पर वार करने पर महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। तेंदुआ के मानव पर आक्रमण की यह तीसरी घटना है, जिससे अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। महासमुंद में मानव अधिकार के प्रति बेहतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पुलिस प्रशासन ने राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश में कार्यरत पुलिस कर्मियों ने जन जागरूकता और संविधान में दिए गए मानव अधिकार के संरक्षण करने सहित कानूनी पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद विवाद प्रतियोगिता में 14 जिलों के चयनित उप पुलिस अधीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों ने हिस्सा लिया। तो वहीं प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों को कलेक्टर के हाथों स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ये आज राज्य स्तरीय मानवाधिकार जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें पहले जिला स्तर पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदयों द्वारा कराई गई थी, इसके बाद रेंज स्तर पर आईजी महोदय द्वारा, इसके बाद फिर प्रदेश स्तर की जो थी जिसको रायपुर को सौंपा गया था जुम्मा, रायपुर रेंज के आईजी महोदय द्वारा ये जुम्मा हमें सौंपा गया है। और आज ये प्रतियोगिता में करीब
13 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से पक्ष विपक्ष में लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मानवाधिकार के प्रति लोग सजग रहें, जागरूक रहें और कैसे हम अपनी नौकरी के साथ साथ जिस प्रकार की हमारी वर्दी वाली नौकरी है सजगता, उसके साथ साथ हम अपने मानव अधिकारों की रक्षा कर सकें, लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा कर सकें, इस संबंध में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। पुलिस विभाग में रहते हुए मानवाधिकार के लिए पक्ष में बोलना विपक्ष में बोलना दोनों बहुत ही कठिन होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हम पुलिस के कानूनों के साथ में बंधे हुए अपना जो काम करते हैं, जो अपना अनुशासन है उसमें काम करते हैं, उसके साथ में हमारे लिए मानवाधिकार के साथ में काम करना बहुत सही होगा। कोरिया में लगातार कोयला चोरों पर नकेल कसी जा रही है। बता दें कि कोयला चोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान पुलिस ने 40 बोरी कोयला बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 28,000 बताई जा रही है। वहीं दो पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल लेकर जेल भेज दिया गया है। संदीप कुमार साहू, संतोष कुमार, राम प्रताप, ये तीनों मिलकर संतोष साहू के घर के पीछे अवैध रूप से उत्खनन कर कोयला को घर के पीछे भंडारण करके रखे हैं करके, तो इस सूचना पर वहां जाके तस्दीक किया गया। तस्दीक पर 40 बोरी अवैध कोयला रखा मिला, जिस पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा के पूर्व मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी रामलाल धृतलहरी की आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में न्यायालय ने 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और 10,00,000 के अर्थदंड में दंडित किया है। बता दें वर्ष 2012 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मामला दर्ज किया था, जिसमें जांच के बाद 1 करोड़ से अधिक आय से संपत्ति का खुलासा हुआ। साथ ही आरोपी की संपत्ति को वसूली करने का भी आदेश पारित किया गया है। वर्ष 2012 में जिले के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामलाल धृतलहरी के विरुद्ध में शिकायत प्राप्त हुआ था। शिकायत करने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर एवं बिलासपुर टीम ने जांच किया था। जांच पश्चात आरोपी रामलाल के विरुद्ध में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। संपूर्ण योजना के पश्चात माननीय सुरेश जून साहब ने पाया कि अभियुक्त रामलाल धृतलहरी के द्वारा अपनी वैध आय से 100% अवैध आय प्राप्त होना सिद्ध पाया गया, जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को 7 वर्ष की सजा एवं 10,00,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया है। साथ ही माननीय सत्र न्याय माननीय न्यायालय द्वारा 1,04,04,61,335 रुपये के अवैध संपत्ति को राजसात करने का भी आदेश पारित किया है। जांजगीर चांपा के बसंतपुर बैराज में एक विशालकाय कछुआ मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों की मौके पर भी भीड़ जमा हो गई। बता दें कि जब स्थानीय मछुआरे बैराज में मछली पकड़ने गए तो उसी दौरान उनके जाल में 60 किलो का मछुआ फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस संबंधित विभाग से संपर्क कर रही है। हालांकि वन विभाग की ओर से अब तक किसी प्रकार का निर्देश नहीं आया है। गौरेला पेंड्रा में मरवाही वन मंडल के छेनापोड़ी गांव के पास सफेद भालू के साथ काला भालू दिखाई दिया। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। ये पूरी घटना गांव के लोगों ने मोबाइल में कैद कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पिछले दोनों में मरवाही वन मंडल के माडा कोड में सफेद और काले भालू एक साथ दिखे थे। अंबिकापुर में पुलिस पर युवक से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक की ढाबा संचालक से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को थाने लाकर बेरहमी से पिटाई की, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस मामले की जानकारी सरगुजा SP को दी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी को अस्पताल में बयान लेने के लिए भेजा गया है और आगे की जाँच की जा रही है। हमारे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से ऐसा आया है कि किसी ने पुलिसकर्मी पे मारपीट का आरोप लगाया है। तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को वहाँ मौका जांच के लिए भेजा गया है और लिखित शिकायत प्राप्त होने पे इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
महासमुंद में भारतीय जनता पार्टी ने मोर आवास मोर अधिकार अभियान का आयोजन किया। इस दौरान सांसद चुन्नीलाल साहू भी आयोजन में शामिल रहे, साथ ही ग्रामीणों को भी समस्या सुनी। आयोजन के दौरान सांसद चुन्नीलाल साहू ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब तक भाजपा की सरकार थी तब तक तीव्र गति से प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हो रहा था। प्रत्येक योजना में केवल आवास नहीं, सभी योजनाओं में इन्होंने एक प्रकार से गरीबों के साथ कुठाराघात किया है, गरीबों के साथ अन्याय किया है। इन्होंने अपना राज्यांश नहीं दिया जिसके कारण 15 लाख आवास वापस जा चुके हैं 4 साल में। अब चूंकि केंद्र से आ रहा है, राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि गरीबों के लिए इस योजना को, इस योजना के लिए पैसा दें। जब शेष योजनाओं के लिए पैसा दे रहे हैं, पानी टंकी के लिए पैसा दे रहे हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात हुई कि आवास योजना के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम गांव-गांव जाके जनसभा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये भूपेश सरकार गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। अंबिकापुर में ठंड का सितम जारी है। आपको बता दें कि वहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है तो वहीं अधिकतम 20 सेल्सियस है। दरअसल सरगुजा जिले के शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में दूरदृष्टि दक्षता 40 मीटर से 100 मीटर तक हो गई है। आपको बता दें कि घनघोर कोहरा देखने को मिल रहा है, वहीं शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह ठंड काफी चिंताजनक है, जहां बच्चों सहित अभिभावक स्कूल के टाइम टेबल में बदलाव की बात कर रहे हैं। वहीं इस खुशनुमा मौसम में सरगुजा जिले के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में सैलानियों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि पश्चिमी और उत्तरी हवाओं की दाब की वजह से मध्य छत्तीसगढ़ सहित अन्य इलाकों में घने कोहरे देखने को मिल रहे हैं। इस समय में पूरा उत्तर भारत, पूर्वी भारत और उसके साथ साथ अपना मध्य भारत का जो ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यहाँ पे लगातार कोहरे के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। ऊपरी गर्म हवा जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रही है, वो नीचे आने वाली उत्तरी और पश्चिमोत्तरी हवा, ठंडी हवा से टकरा रही है और उसके चलते यहाँ पर घने कोहरे के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। और लगातार आज तीसरा दिन है जब अंबिकापुर नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। इस समय दृश्यता शहरी दृश्यता जो है वो करीब 100 मीटर तक सिमट गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यही दृश्यता घट करके 20 से 30 मीटर के आसपास पहुंच गई है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में सैलानियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है पिछले दिन में, 3 दिनों में, और उसके साथ ही अंबिकापुर शहर में भी बच्चे सुबह से लेकर रात तक, शाम ढलने के बाद भी अचानक फिर कोहरा हो जाता है और रात तक कोहरा रहता है, तो काफ़ी लुत्फ उठा रहे हैं इस तरह से। बच्चे को छोड़ना आया हूँ सर, बहुत ठंड लग रही है, बाइक में छोड़ना आया हूँ, बच्चे का पढ़ाई भी जरूरी है सर। मौसम तो इतना अभी कर दिया है कि दिसंबर में जो ठंड नहीं पड़ा जनवरी में पड़ रहा है। कितना ठंड है, कितना कोहरा, कितना टाइम हो रहा है? कोहरा सर अभी 8:30 बजने वाला है, हालत बंद है हमारी। मैं हॉली क्रॉस स्कूल में पढ़ने जाती हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा है, इतना कोहरा है कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमारा ग्राउंड पूरा वाइट पड़ जाता है, बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता है, स्कूल में उधर चाहिए, इतनी ठंड पड़ती है। कितना टाइम हो गया अभी, क्या लग रहा है अभी आपको, कितना टाइम हो गया और? अभी तो 8:30 हो रहा है बट ठंड ऐसी लग रही है कि 5 बज रहे हैं। मेरा नाम मिताक्षी है, आप खुद ही देख रही, इतनी ठंड बढ़ गई, मैं भी चाहती हूँ कि स्कूल का टाइमिंग बढ़ जाए, थोड़ा लेट से हो जाए ताकि हमें भी थोड़ा रिलीफ मिले। कितना ठंड लग रहा है अभी आपको? अभी तो बहुत ठंड है, अभी लग रहा है कि 7 बज रहा है लेकिन एक्चुअली 8:30 बज रहा है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी है अभी। सरगुजा में पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली द्वारा अवैध नशीला कफ सिरप बेचने के फिराक से घूम रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी के पास से 24 नग अवैध नशीला कफ सिरप बरामद किया गया है।
रायपुर में मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि जशपुर समेत कई जिलों में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज दिन भर बादल छाए रहेंगे, जिसको लेकर दो दिनों तक कोहरे की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। बता दें कि बंगाल की खाड़ी से नम पूर्वी हवाओं के आगमन के कारण कोहरे छाए रहेंगे, तो वहीं प्रदेश के कई स्थानों में हल्की बारिश की भी संभावना है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।